In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I hope you will be all fine. आज हम बनाएंगे यूनिक स्टाइल में पिज्ज़ा, जो कि बनाएंगे हम ब्रेड स्लाइसेस के साथ. और ये बनेगा कैसे, चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ. यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था. अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसे मैरिनेट करेंगे. हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च और सोया सॉस और सिरका 1/1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे. हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मैरिनेट करने के लिए. इसे कोई आधा घंटा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इसे फ्राई करेंगे. कवर करके हम इसे पकाएंगे गलने तक. यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, ये देखें, ये मेरे पास 8 स्लाइसेस हैं ब्रेड के. अब हम इसका जो ब्राउन साइड है इसको हम कट कर लेंगे, ये देखें नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसे सेपरेट कर देंगे. इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं. ये देखिए, इसी वे में हम नेक्स्ट स्लाइस को भी करेंगे. इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इजीली घर पे. ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह मैं बाकी के स्लाइसेस भी कर लूँगी. यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसमें बटर पेपर बिछा लिया था और इसमें 4 स्लाइसेस मैंने रखे हैं और उसके ऊपर हम डाल रहे हैं चेडर और मोज़रेला चीज़ ग्रेट की हुई. अच्छे से हम इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छे से फैला लेंगे. अब इसके ऊपर मैं बाकी के 4 स्लाइसेस हैं वो कुछ इस तरह से सेट कर दूंगी. ये देखें, एक साथ इस तरह हम सेट कर देंगे इसको. अब हम इसके ऊपर डालेंगे केचप. आप अच्छे से केचप डालें और फिर इसको हम चम्मच की मदद से केचप को अच्छे से सेट कर देंगे, खिला देंगे तमाम स्लाइसेस के ऊपर. अब हमने जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से. अब थोड़ी सी कैप्सिकम बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अनियन चॉप किया हुआ और थोड़े से टमाटर और ये चीज़ फिर से डालेंगे के ऊपर. अब हम रख रहे हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स. अब ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और हम इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे. जस्ट 10 मिनट के लिए बेक करेंगे और हमारा पिज्ज़ा रेडी हो जाएगा. लीजिए, हमारा ब्रेड पिज्ज़ा रेडी है. अब आपका जब भी दिल करे फिर से ब्रेड निकालें और इजीली घर पे पिज़्ज़ा बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें. ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे. अल्लाह हाफिज़.